आर वृत्ति हमारी ऐसी हो गई कि हम दूसरे को सुखी नहीं देख सकते, कि मैं अगर दान कर रही हूं तो केवल मेरा ही होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चावल का दाना मात्र, एक धान एक चावल का दाना जब हम शिव मंदिर में समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो जरा विचार करना पुण्य किस किस को मिलता है। एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य किस किस को मिला? पहला पुण्य मिला माता पृथ्वी को, उससे प्रकट हुई। दूसरा पुण्य मिला एक इल्ली को, जिसने इसका स्पर्श कर छोड़ दिया। तीसरा पुण्य मिला एक पक्षी को, जिसने इसका स्पर्श कर छोड़ दिया। चौथा पुण्य मिला जिसने इसको उगाया। पांचवा पुण्य मिला जिसने इसको झड़ाया। जिसने उगाया था वो नहीं झड़ा रहा, घर की बिचारी पत्नी झड़ा रही। छठा पुण्य मिला जब ये कहीं मलकर निकाला गया, कहीं मशीन में गया, जिसने निकाला। सातवां पुण्य मिला जब ये निकल कर घर में आया, जिसने संभाल कर रखा। आठवां पुण्य मिला जिसने इसको ले जाकर कहीं छोड़ा, बाजार तक पहुंचा, बाजार से फिर वो निकल कर आया। दसवां पुण्य मिला जिसने शिव जी को इसको चढ़ाया, तब इनके खाते में भी एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य कट कट कर जाता रहा और इतने जीवों का कल्याण कर दिया। एक धान, एक चावल के दाने ने इतने को कल्याण कर दिया। विचार करना, केवल आप अगर भजन कर रहे हो, घर का कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर दान कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर जल भी चढ़ा रहा है, घर का एक व्यक्ति भी अगर मंत्र जाप कर रहा है। वैसे तो शिव पुराण कहती है कि घर में चार लोग हैं तो चारों जल चढ़ाओ, घर में चार लोग हैं चारों दान करो, घर में चार लोग हैं चारों भजन करो, घर में पांच लोग हैं पांचों भजन करो, घर में जितने सदस्य वो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाए। कहती है, पर मान लो किसी कारण से बेटा नहीं गया, बहू नहीं गई, परिवार वाले नहीं गए, कुटुंब वाले नहीं गए, तो शिव महापुराण ने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया। देवराज के प्राण छूटे, उस समय पर देवराज के पास में पुण्य नहीं था, सत्कर्म नहीं था। तब देवराज को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के गण मुझे लेने के लिए आए, तो देवराज ने गणों से पूछ लिया, भोलेनाथ जी से पूछ लिया कि मैंने पाप किया, चोरी करी है, छल करा है, बेईमानी करी है, वेश्यावृत्ति मैंने करी है, उसके बाद भी भोलेनाथ जी मुझे लेने क्यों आए हैं? अब भगवान शंकर ने कहा, तेरी बूढ़ी माँ रोज प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे साथ में आ गया, इसलिए तुझे कैलाश धाम मिल गया। एक लोटा जल देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने चढ़ाया था, वो एक लोटा जल काम आया है देवराज के। देवराज कह रहा, मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया? क्यों तार दिया? मैंने तो छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, नारी को गलत दृष्टि से देखा, धन चुरा कर लाया, कितना कितना धन मैंने चुराया, कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोलेनाथ आपने मुझे तार दिया। शिव जी कहते हैं, देवराज तुझे तारने का कारण केवल एक है कि तेरी माता रोज शिव जी के मंदिर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पांव कप कपा रहे हैं, तो भी बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ शिव मंदिर तक जा रही। आप में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, चाहे जहाँ के लोग हैं, जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनका भाव, इनका हृदय, एक बात जरूर हमने देखी है कि ये भी एक लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे गर्मी पड़े, बारिश पड़े, ठंड पड़े, कुछ भी हो, शिव के द्वार जाना, शंकर की चौखट पर जाना। एक लोटा जल का कितना महत्व है। दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप देवताओं को लगा, जरा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये एक लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो, ये एक लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो, जो दुनिया के लोग
शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको ये कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं शंकर भगवान की, कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ी नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिवजी पे जो जल चढ़ाओ उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले दो बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ, उस दो बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की तीन उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहेंगे, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिवजी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिवजी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिवजी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर, जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा, तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है, जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है, दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित करकर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोके में, वहां रखो, उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, निश्चित।